यत्र यत्र प्रभुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् नामापिते च मधुरम् मधुरम् स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिम् प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् विद्याम् प्रयच्छ परमाम् परिभावयामि कोमलम् कूजयन् वेणुम् श्यामलोयम् कुमारकः वेदवेद्यम् परम् ब्रह्म भासताम् हृदये मम कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण 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 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरयेव च क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः
యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రమిదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. నారాయణ సముపస్థిత సమాదరణీయ సంత వృంద, విద్వద్ వృంద, భక్త వృంద ఏవం భక్తిమతి మాతావు, క్షర అక్షర ఔర్ పురుషోత్తమ్ తత్వ కా వర్ణన్ ప్రసంగానుసార్ చల్ రహా హై. తత్వ తో వస్తుతః ఏక్ హీ హై, జిస్కో అద్వయ బోధ యా జ్ఞాన కహతే హై. వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. లేకిన్ ఉస్ తత్వ కీ అద్వితీయతా కే ఖ్యాపన్ కే లియే ఉస్కీ శక్తి ఔర్ ఉస్కే వివర్త కా వర్ణన్ కియా జాతా హై. పిచ్లే దినో యహ నిరూపణ కియా గయా కీ कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता के बल पर सद्वितीय नहीं करती, या शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति मान्य है. साथ ही साथ किसी कार्य को लेकर या विविध कार्यों को लेकर भी शक्ति अपने आश्रय को सद्वितीय नहीं होने देती. इस प्रकार शक्तिमान శక్తి ఔర్కే వివిధ వికారో పరిణామో యా కార్యో కో లేకర్ భీ సద్వితీయ నహీ హోతా. యా శక్తి కీ అనిర్వచనీయతా కా మోఘక ప్రభావ హై కి శక్తిమాన్ శక్తి ఔర్కే కార్యో సే యుక్త హోనే పర్ భీ వస్తుతః సర్వథా అద్వితీయ హీ రహతా హై. అద్వైత కీ సిద్ధి కే లియే व्यावहारिक धरातल पर द्वैत की स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि एक नियम है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता. यदि द्वैत प्राप्त ही नहीं है तो उसके प्रतिषेध की क्या आवश्यकता है. अतः व्यावहारिक धरातल पर द्वैत को सिद्ध करके ही पारमार्थिक धरातल पर अद्वैत की सिद्धि संभव है. यहां नीलकंठ जी के अनुसार कल परसों भावों को व्यक्त किया गया, उसको प्रकारांतर से प्रस्तुत किया गया कि विवेक की प्रगल्भता होने पर कामना में ह्रास होता है, कामना संकुचित होती है और अंत में कामना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है. विवेक के उद्दीप्त होने पर कामना की निवृत्ति, कामना की निवृत्ति होने पर कर्म की निवृत्ति, और कर्म की निवृत्ति होने पर या कर्म का क्षय होने पर उपाधि की निवृत्ति या उपाधि का क्षय, यह नियम चरितार्थ होता है. इस दृष्टि से क्षर की उपाधि वाला चेतन क्षर ही कहा जाता है, उपाधि के अनुरूप उसकी संज्ञा मान्य है. उसकी उपाधि को क्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्म की शिथिलता से उपाधि में शिथिलता और कर्म के क्षय से उपाधि का क्षय, यह सिद्धांत नीलकंठ जी ने प्रस्थापित किया. कल दृष्टांत दिया गया जागर की अपेक्षा, जागर और स्वप्न के मध्य में जो मनोराज्य होता है उसमें कर्म की शिथिलता होती है, तभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण से तादात्म्यपन्न होकर क्रियाशीलता और ज्ञान की निष्पत्ति का परिचय देने में समर्थ होती हैं.
स्वप्नावस्था में तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां सुप्त हो जाती हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उपाधि में संकोच होता है कर्म के संकोच के कारण। मनोराज्य की अपेक्षा स्वप्नावस्था में कर्म का क्षय अधिक है, अतः उपाधि का संकोच भी प्राप्त है। सुसुप्ति अवस्था में तो अहमेचा प्रसुप्ते आदि वचनों के अनुसार अहंकार सुप्त हो जाता है, तो कर्मों का क्षय माना जाता है। यहाँ कर्मों के क्षय का अर्थ है जब तक सुसुप्ति की दशा रहती है तब तक कर्म क्षीण प्राय रहता है, सुख या दुख नामक फल को देने में समर्थ नहीं होता है। कर्म गुण का निरोध, श्रीमद् भागवत वेद स्तुति के अनुसार एक होता है काल गुण का निरोध, एक होता है कर्म गुण का निरोध, एक होता है आशय गुण का निरोध। सुसुप्ति में काल गुण, कर्म गुण, आशय गुण तीनों का निरोध हो जाता है। जरा मरणादि श्रीधरी टीका के अनुसार काल गुण है, सुख दुख कर्म के गुण है, राग द्वेष आदि आशय अंतःकरण के गुण हैं। गाढ़ी नींद में काल गुणों की न तो प्राप्ति होती है न व्याप्ति, कर्म के गुणों की भी प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती, और आशय के गुण राग द्वेष आदि की भी प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? कर्म का क्षय होगा तो उपाधि का भी क्षय होगा। इसका मतलब उपाधि बीज रूप में अवशिष्ट रहती है, इसलिए क्षरोपाधिक जीव माने गए। यहाँ पर नीलकंठ जी ने क्षर सर्वान भूतानि इस वचन में भूत का अर्थ प्राणी किया। प्राणी के प्रभेद श्रीधरी टीका के अनुसार ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत होते हैं, हो सकते हैं। कुश काश इत्यादि को स्तंभ कहते हैं स्थावर प्राणियों को, और कहीं कहीं अमीबा इत्यादि जो जंगम प्राणियों में अत्यंत लघु प्राणी है उनको भी स्तंभ कहा गया है। मुख्य रूप से स्थावर प्राणी कुश इत्यादि स्तंभ कहे जाते हैं। सबसे उत्कृष्ट प्राणी ब्रह्मा जी सर्वजीव घनात्मक हैं, सबसे अवर निकृष्ट प्राणी कुश काश इत्यादि, ये सब प्राणी हैं, जीव हैं। इनकी उपाधि का नाम क्षर है। कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते, यह शुक्रहस्योपनिषद है। नीलकंठ जी का वचन हमने कल उद्धृत किया था, सुसुप्ति में कर्मक्षय उन्होंने माना, प्रलय में कर्मक्षय उन्होंने माना, कैवल्य में कर्मक्षय उन्होंने माना। प्रलय की प्राप्ति कब होती है या महाप्रलय की प्राप्ति कब होती है? जब अंतर्यामी परमात्मा का संकल्प होता है समस्त जीवों को द्वैत की प्रतीति भी न हो, उनके जितने शुभाशुभ कर्म हैं वे फलोन्मुख ना हो, इतनी अवधि तक, तब महाप्रलय की दशा होती है। 31,10,40,000,000,000 तक अंतर्यामी के संकल्प के प्रभाव से महाप्रलय की दशा में जीव शिव भावापन्न होकर शेष रहते हैं। उस समय स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं रहती, तीनों शरीर महाकारण महामाया में विलीन होते हैं। महामाया भी महेश्वर की शक्ति होने के कारण महेश्वर में एकीभूत होकर स्थित रहती है। ये नीलकंठ जी का जो विचार है उसको संक्षेप में कहा। कैवल्य मोक्ष जब होता है तब तो आत्यंतिक प्रलय,
कैवल्य मोक्ष का नाम श्रीमद् भागवत में आत्यंतिक प्रलय है, क्योंकि वहां तो माया के भी मिथ्यात्व का जब निश्चय होता है, अक्षर जगत का बीज जिसको कहा गया, अक्षर की उपाधि से युक्त चेतन का नाम अक्षर है, उसकी उपाधि जो अक्षर है उसके भी मिथ्यात्व का जब निश्चय होता है, क्योंकि ब्रह्म की अपेक्षा न्यून सत्ता को होने के कारण उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है, बंध्या पुत्रादि अलीक पदार्थों से भी विलक्षणता है और ब्रह्म से भी विलक्षणता है, एतावता वह जो प्रकृति माया शक्ति है उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है। महाप्रलय में परमात्मा में एक ही भूत तो होकर वह शेष रहती है, लेकिन विचार करने पर सर्ग दशा में उसको अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत है। इसका अर्थ जिस जिस जीव को ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति उसकी उपाधि का आदर्शन हो जाता है। सूत संहिता में कहा गया भाष्यकार के द्वारा, विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा, कि योगी ऐसा मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को स्वरूप का विज्ञान प्राप्त होता है, कार्य कारणात्मक समस्त अचित पदार्थों से विविक्त स्वयं को वह जान लेता है, तो अविप्लव विवेक ख्याति के बल पर उसके प्रति कार्य कारण का आदर्शन हो जाता है, स्फुरन हो जाता है विदेह मोक्ष की दशा में। इसी को विद्यारण्य स्वामी जी ने सूत संहिता के भाष्य में उठाया, या तो मिथ्यात्व का लक्षण है अन्यों के प्रति शेष रहे, अमुक के प्रति आदर्शन हो जाए, यह मिथ्यात्व का लक्षण है। अभिप्राय यह है कि रज्जु खंड है, उसमें 10 व्यक्तियों को सर्प बुद्धि हो गई, नायम सर्पो रज्जुरियम, जिसको जिसको रज्जु तत्व का बोध प्राप्त हुआ उस उसके प्रति सर्प का दर्शन हो गया, अन्यों के प्रति सर्प विद्यमान रहा, तो योग दर्शन भी प्रकारांतर से सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से अद्वैत की ओर केवल इंगित कर देता है। इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, कुमारिल भट्ट महाभाग ने वार्तिक के संदर्भ में विचार किया कि वास्तव में मीमांसा प्रस्थान में आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना आवश्यक है, उसके बिना तो कर्म मीमांसा संभव ही नहीं है, लेकिन सचमुच में आत्म तत्व अभिक्रिय विज्ञान घन है, इस बात को जानते हुए भी मीमांसा प्रस्थान की सीमा में हम उस पर विचार नहीं व्यक्त कर सकते वेदांत निषेवण है न। अगर किसी को आत्मा के तात्विक स्वरूप का बोध प्राप्त करना हो, हमारे प्रस्थान की सीमा को छोड़ दे, वेदांत निषेवण है न, वेदांत का अनुशीलन करे। यहाँ तो कर्म की सिद्धि के लिए आत्मा को या जीव को कर्ता भोक्ता मानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार योग ने संकेत कर दिया, दृष्टा को जब अपने स्वरूप का समग्र अनात्म प्रपंच या अचित पदार्थों से विविक्त रूप से बोध प्राप्त हो जाता है, उस दृष्टा के प्रति फिर प्रकृति भी शांत हो जाती है, आदर्शन का विषय बन जाती है, अन्यों के प्रति जो अज्ञ हैं उसकी विद्यमानता बनी रहती है। इसी प्रकार यहाँ अक्षर की भी व्याख्या की गई, यद्यपि वह अक्षर प्रकृति है, भगवान की शक्ति या माया है, उसी को भगवान की उपाधि भी कह सकते हैं, लेकिन उसका ये अनंत भेद है, उसकी एक रश्मि के रूप में जीव को अविद्या की प्राप्ति होती है, उस अविद्या का अतिक्रमण करने पर जीव अपने शिव रूप से शेष रहता है।
अब समय की सेवा में श्रीधर स्वामी की ओर चले। श्रीधर स्वामी ने क्षरब सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्चते का अर्थ अपने ढंग से किया। उन्होंने कहा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने प्राणी हैं उनके शरीर का नाम क्या है? क्षर है। क्षर की उपाधि वाले तो चेतन होते हैं प्राणी, लेकिन ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने शरीर हैं उनका नाम क्षर है। अब यहाँ एक विचित्र बात होती है, जब ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने प्राणी हैं उनके शरीर का नाम क्षर है, तब तो क्षरोपाधिक चित धातु का नाम जीव होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जीव ही तो है। जब उनकी उपाधि उन्हें सुलभ है तो स्वतः वे क्या हो गए? जीव ही हो गए। लेकिन उन्होंने कहा केवल शरीर शरीर अर्थात उपाधि मात्र अर्थात क्षरणशील नश्वर कार्य कोटि प्रविष्ट जितने पदार्थ हैं वो क्षर हैं। वो हैं क्या? भोगायतन भी हैं और भोग्य भी हैं और जीव के शरीर हैं। इसका अर्थ होता है कि एक प्रकार से ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत ही तो जीव होते हैं, 84 लक्ष प्रभेदों में उल्लसित होते हैं। तो जीव का प्रतिपादन श्रीधर स्वामी ने तो मानो क्षरोपाधिक चेतन के रूप में कर ही दिया, लेकिन उनका कहना है केवल शरीर शरीर कार्य वर्ग जिनका क्षय कालक्रम से सुनिश्चित है, जिनकी संरचना भी महासर के प्रारंभ में होती ही है, उनको क्षर कह दें और कूटस्थोक्षर उच्यते, कूटस्थ निर्विकार जो पुरुष है जीव है उसका नाम अक्षर है। मोटी भाषा में जगत का नाम क्षर, जीव का नाम अक्षर, दोनों से अतीत दोनों के नियामक जगदीश्वर का नाम पुरुषोत्तम। जगत जीव और जगदीश्वर बहुत सुगम शैली में हम कह सकते हैं श्रीधर स्वामी ने क्षर अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम का वर्णन किया। जगत क्षर है, जीव अक्षर है, जगदीश्वर पुरुषोत्तम है। मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रीधर स्वामी के पक्ष का खंडन करते हुए कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने तो क्षेत्रज्ञ की आत्मरूपता का ब्रह्मरूपता का वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीव और ईश्वर के भेद को ला के खड़ा करना अक्षर और पुरुषोत्तम के रूप में उचित नहीं। भाष्योत्कर्ष दीप का कारण भी मधुसूदन सरस्वती की शैली में श्रीधर स्वामी के पक्ष का निराकरण किया। अब कहा जा सकता है कि 7वें अध्याय की शैली में अगर हम पराप्रकृति जीव को मानते हैं तब तो क्षर अपर हो गया, पराप्रकृति के रूप में जीव को मान लें अक्षर, दोनों के नियामक को मान लें जगदीश्वर। 7वें अध्याय की शैली में यहाँ पर निरूपण करना उचित नहीं है। कारण क्या है? 7वें अध्याय में एक तो क्षेत्र का वर्णन अपूर्ण है, केवल अष्टधा प्रकृति का वर्णन अचित पदार्थों के रूप में किया गया है, और 7वें अध्याय में जो अष्टधा प्रकृति का वर्णन है वो भी सांख्य सम्मत तत्व की जो संज्ञा है उससे कुछ विलक्षण है। महाभारत में अन्यत्र भी मन बुद्धि और अहम का वर्णन किया गया है प्रकृति के रूप में। तो यहाँ पर भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा
अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा, इसको भगवान शंकराचार्य महाभाग ने, मधुसूदन सरस्वती आदि महाभाग ने सांख्य प्रस्थान की दृष्टि से ढाला है। यहाँ तक कोई विज्ञान नहीं है, भूमि रापो नलो वायु खम पंचभूतों का नाम हो गया। जब उनको हम प्रकृति कहते हैं तो पंचभूत का अर्थ होता है पंच तन मात्रा, जिसको वेदांती कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। इसका अर्थ क्या है? गंध तन मात्रा, उसी को भूमि पृथ्वी कहते हैं। जिसको सांख्यवादी कहेंगे गंध तन मात्रा, उसी को वेदांती कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी। जिसको सांख्यवादी कहते हैं रस तन्मात्रा, उसी को वेदांती कहते हैं अपंचीकृत जल। जिसको सांख्यवादी रूप तन्मात्रा कहते हैं, उसी को वेदांती कहते हैं अपंचीकृत तेज। जिसको सांख्यवादी स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं, उसी को वेदांती कहते हैं वायु। अच्छा आनंद आ रहा है, हवा भी है, अधिक श्रोता तो सोते ही रहते। प्रक्रिया आदि का ज्ञान नहीं है, आस्था के कारण चले आते हैं, बात समझ में आती नहीं है तो फिर मन अपना। तो तुलसीदास जी ने चुटकी ली, यही सर आवत अति कठिनाई, इसमें तो रुचि नहीं होती है। कदाचित रुचि भी आ जाए तो आते ही नींद सवार हो जाती। इसलिए बहुत भाग्यशाली हो तो शब्द कानों में पड़े और अर्थ हृदयंगम हो सके। तो श्रोताओं को तो कमर कस के आना चाहिए ना, उतनी तत्परता से नहीं आते हैं तो नींद तत्पर बना देती, माने वो अपना आनंद निमग्न हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे, कैप्सूल लेने पर, इंजेक्शन लेने पर भी जिनको नींद नहीं आती, कथा सुनते ही नींद आ जाती है, इतना तो लाभ हुआ ना, रुपये तो खर्च नहीं हुए। बिना दवा चाटे खाए ही नींद आ गई। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, सुभद्रा जी सो गई, कौन सी कथा चल रही थी, गर्भ में अभिमन्यु थे, वीर रस की कथा चल रही थी, अर्जुन चक्रव्यूह में एक योद्धा कैसे प्रविष्ट होता है इसका वर्णन कर रहे थे। जहाँ तक चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या का वर्णन किया, वहां तक सुभद्रा जी जगी रही, और तन्मयता पूर्वक चक्रव्यूह विदीर्ण करके योद्धा कैसे निकल आता है इसका जो वर्णन किया, तब तो सुभद्रा जी सो गई। तो गर्भगत शिशु भी सो गया, माता के सोने पर गर्भगत शिशु तो सो ही जाएगा, वो विद्या हस्तगत नहीं हुई, हृदयंगम नहीं हुई। इधर पांडवों को वनवास प्राप्त हो गया, अज्ञान वास प्राप्त हो गया, द्वारकापुरी में ननिहाल में श्री बलराम जी से गदा आदि की शिक्षा लेते रहे, प्रशिक्षण लेते रहे, चक्रव्यूह विदीर्ण करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। सुभद्रा जी के प्रमाद से 13वें दिन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए अभिमन्यु। संग डरने की जरूरत नहीं है। माने कथा में सोना कभी कभी पुत्र को खो देने के बराबर होता है, उनका पुत्र तो खो ही गया ना सुभद्रा जी का। कदाचित वो तत्परता पूर्वक सुनती, नींद ना आती तो अभिमन्यु का वियोग, अभिमन्यु के शादी हुए केवल 7 महीने हुए थे, विवाह हुए केवल 7 महीने पहले विवाह हुआ था, 13वें दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो हमने क्या संकेत किया, यह संकेत किया कि भूमि का अर्थ है अपंचीकृत पृथ्वी, भूमि राप जल, जल का अर्थ यहाँ पर है अपंचीकृत जल अर्थात रस तन मात्रा, तेज का अर्थ है यहाँ रूप तन मात्रा, और वायु का अर्थ है यहाँ पर स्पर्श तन मात्रा, और आकाश का अर्थ है यहाँ पर शब्द तन मात्रा, अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूत का वर्णन। यहाँ तो क्रम ठीक है, भूमि रापो नलो वायु खम, आगे 3 प्रकृति का वर्णन है, एक मूलक प्रकृति,
बाकी जो सात हैं वो प्रकृति विकृतियां हुआ करती हैं, किसी दृष्टि से प्रकृति किसी दृष्टि से विकृति। तो प्रकृति विकृतियों में पांच का वर्णन तो हो गया, अब मन बुद्धि और अहम क्रमिक पाठ यह है। प्रकृति का जब वर्णन होता है तो मन का उल्लेख कहीं नहीं होता, मन तो विकृति कोटि का पदार्थ या गड़बड़ा गया। बुद्धि का अर्थ तो कर सकते हैं, समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है, अतः व्यष्टि बुद्धि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। महापुरुषम प्रतिष्ठा, तैतृय उपनिषद में विज्ञानमय का जब वर्णन है तब कहा गया महापुरुषम प्रतिष्ठा, तो बुद्धि को महत्त्वात्मक मान सकते हैं। आगे अहम का वर्णन है, अहंकार, अब उसको क्या ले, क्रम पाठ अगर लेंगे तब तो फिर अव्यक्त अहंकार का अर्थ करना पड़ेगा लक्षणास। यह भगवान शंकराचार्य की विधा है। मधुसूदन सरस्वती जी ने दो शब्दों को पकड़ लिया, क्रम भंग करके अर्थ किया, अहंकार तो जो के त्यों प्राप्त है अंत में, मनोबुद्धि मन बुद्धि के बाद अहंकार का उल्लेख है। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था, तो अहंकार का अर्थ अहंकार ही मान लें, बुद्धि का अर्थ महत्त्व मान लें, पारिशेष्य न्याय से जो मन कहा गया उसका अर्थ अव्यक्त मान लें। क्रम तो भंग हो गया लेकिन शब्द के लोभ में क्रम को भंग कर दिया। अभिप्राय तो यही निकला कि मन बुद्धि और अहंकार से पंच तन्मात्राओं से ऊपर के जो तीन पदार्थ हैं उनका वर्णन किया गया। इसको क्रमिक वर्णन, इसका क्रमिक रूप क्या हो सकता है, तो 13वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया गया है वहाँ पर महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेव च, अष्टधा प्रकृति हो गई है नहीं, महाभूत हो गए पंच, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त मेव च, यह क्रम है। अहंकार बुद्धि माने महत्त्व और अव्यक्त, ठीक इसके अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया। ये अपरा प्रकृति है, इसका मतलब षोडश विकृतियों का वहां पर वर्णन नहीं है। कहां पर, गीता के सातवें अध्याय में केवल अष्टधा प्रकृति का वर्णन है, उसमें एक सांख्यों के दृष्टि से मूल प्रकृति और सात प्रकृति विकृतियां, लेकिन षोडश विकृतियों का वर्णन नहीं है। गीता के 13वें अध्याय में समग्र क्षेत्र का वर्णन है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रियाणि दशैकंच, 11 पंच चंद्रिय गोचरा पंच स्थूलभूत, इस प्रकार से 24 तत्वों का वर्णन, समग्र क्षेत्र का वर्णन कर दिया गया है। कहां पर, 13वें अध्याय में। अब अगर हम से पूज्य पाद कहना चाहिए जिन्होंने भागवत पर टीका न लिखी होती, कहाँ के थे श्रीधर स्वामी, श्रीमद भागवत पर टीका गोवर्धन मठ के देने, हमारे मठ के थे आचार्य, माने हमारे मठ के गोवर्धन मठ पुरी के शिष्य थे, काशी में गोघाट पर उनका आश्रम है, गोवर्धन मठ पुरी पीठ की देन है श्रीमद भागवत, उनकी जन्मभूमि भी उड़ीसा में ही बालेश्वर के पास। गोवर्धन मठ लोगों को मालूम नहीं, गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है श्रीधरी टीका, यहीं के शिष्य थे श्रीधर स्वामी जी। हमने एक संकेत किया लेकिन गीता पर उतनी सफलता उनको शंकर भाष्य के कारण नहीं मिल पाई, कदाचित भागवत पर भी भगवान शंकराचार्य के नाम से कुछ भाष्य काम से मिलता है, लेकिन सचमुच में भगवान शंकराचार्य का भाष्य कदाचित भागवत पर भी होता तो संभवतः उतना श्रेय श्रीधर स्वामी को नहीं मिल पाता। अब जो परिस्थिति है, कोई भी भागवत को लगाना चाहे तो श्रीधर स्वामी को माने बिना भागवत का अर्थ तो नहीं लग सकता, कथावाचकों की कथा निराली, उनके तो कुछ भागवत से कुछ लेना देना नहीं, वो तो भागवत का नाम है, ठीक है, अच्छा है, वो भी ठीक, निंदा नहीं करती। सचमुच में जो भागवत है वो तो श्रीधरी टीका के बिना उसका लग पाना कठिन, तो हमने संकेत किया। अब यहाँ पर श्रीधरी पर विचार करें तो क्षेत्र के ही दो भेद हो गए ना, एक क्षर कोटि का क्षेत्र, एक अक्षर कोटि का क्षेत्र, यह
जो अव्यक्त कहा ना, बुद्धि अव्यक्त में बचा, वो तो अक्षर कोटि का क्षेत्र है। तो श्रीधर स्वामी ने जो अर्थ किया उसमें तो अक्षर का कहीं उल्लेख ही नहीं है सचमुच में, माने अव्यक्त को अक्षर नहीं माना ना, तो समग्र क्षेत्र का ग्रहण कहाँ हुआ। क्षेत्र में ही दो भेद हो जाते हैं, महदादया वेदस्तुति, महत से लेकर पार्थिव प्रपंच तक क्षेत्र हो गया या पृथ्वी तक क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र? कार्यात्मक क्षेत्र। लेकिन अव्यक्त जिसको कहते हैं वो तो कारणात्मक क्षेत्र है, उसी का नाम तो अक्षर हो गया, अव्यक्त को अक्षर कहते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी अब क्या करेंगे, अगर क्षेत्र मात्र क्षर है तब प्रकृति या व्यक्त को या माया को भी क्षर मानना पड़ेगा। तो प्रश्नता किस अभिप्राय से उसको क्षर कहेंगे, वह तो महत्त्व से पार्थिव प्रपंच तक का बीज कोटि का कारण कोटि का पदार्थ है। तो वो कह सकते हैं कि ब्रह्म में महाप्रलय में उसका भी विलय हो जाता है। शुभालोपनिषद के अनुसार, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार, तब श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार जीव का भी लय होता है महाप्रलय में, जीव भी नहीं टिकता तो उसको भी क्षर मानना चाहिए, यहाँ गड़बड़ा जाता है। इसलिए गणित की दृष्टि से श्रीधर स्वामी की समीक्षा करने पर पुरुषोत्तम तत्व का जो वर्णन है वो व्यवस्थित नहीं सिद्ध हो पाता, क्योंकि अक्षर जिसको उन्होंने कहा जीव को, वो तो क्षर ही सिद्ध हो गया, क्योंकि क्षरोपाधिक का नाम क्षर होगा जब ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने शरीर हैं सबको क्षर मान लिया। तो नीलकंठ जी ने जिस प्रकार क्षरोपाधिक जीव को क्षर मांगा, वही अर्थ होता है जीव का ग्रहण तो क्षर पुरुष कहने से ही हो गया। ईश्वर का ग्रहण उनकी उपाधि अव्यक्त अक्षर माया के ग्रहण से हो गया, और जीवेश्वर से जो अतीत तत्व है निरुपाधिक उसका नाम पुरुषोत्तम हो गया। और शुक्र रहस्य उपनिषद की सार्थकता भी हो गई, कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीधर स्वामी जी ने एक विलक्षण अर्थ किया, जगत जीव और जगदीश्वर क्रमशः क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तत्व हैं। मानने में कोई आपत्ति नहीं, वैष्णव महानुभावों के लिए यह बहुत अनुकूल अर्थ है, क्योंकि निरुपाधिक को मानने में उन्हें बहुत संकोच होता है। कदाचित निर्गुण निरुपाधिक को माने भी तो अर्थ में वो संकोच कर देते हैं। उदाहरण के लिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग हैं, हमारे दयानंद स्वामी महाभाग हैं, आर्य समाज की दृष्टि से इन सब के यहाँ एक विचित्र पहेली है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वाद्यम निरंजनम आदि श्रुतियों में निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म के लिए। तो निर्गुण को मानने की व्यवस्था तो है, तब अर्थ में संकोच इन महानुभावों ने किया सत्यार्थ प्रकाश में भी, और श्री रामानुज महाभाग के भाष्यों में उनकी टीका में भी किया गया कि निर्गुण का अर्थ होता है जीव अनिष्ट हेय गुण गणों से रहित और स्वोचित अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य गुण गणों से समलंकृत। इनके यहाँ निर्गुण का अर्थ यही होता है। दयानंद स्वामी जी के यहाँ वास्तव में निर्गुण है ही नहीं, निर्गुण शब्द तो है शास्त्रों में, उसका अर्थ क्या है? वो कहते जीव में रहने वाले खोटे गुण, उनकी भाषा सामान्य होती है दयानंद स्वामी की। और दयानंद स्वामी की हिंदी भाषा की जब लोग प्रशंसा करते हैं तो सनातन धर्मी जो दयानंद स्वामी हुए हैं उनकी पंक्तियों को कुटिलता पूर्वक आर्य समाधि उद्धृत करके कहते हैं कितनी ललित हिंदी थी दयानंद स्वामी। अब जो पढ़ते नहीं, सनातन धर्मी जो दयानंद स्वामी हुए हैं, यथार्थ अनुभूति प्रकाश जिनका ग्रंथ है बहुत बढ़िया विज्ञान सम्मत, एक अनुभूति प्रकाश तो वो जो थे क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के संस्थापक उनका एक है यथार्थ, ये दयानंद स्वामी का बहुत बढ़िया वैज्ञानिक शैली में उनका एक ग्रंथ है, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है मेरे पास, उनकी हिंदी बड़ी ललित थी, वो बाद में हुए थे, वो दयानंद जी सनातनी थे, ये दयानंद जी आर्य समाजी थे, भूतपूर्व सनातनी
और देहत्याग के समय तक आर्य समाज। पहले तो शैव थे, रुद्राक्ष की माला पहनते थे, शिवालय के आसपास ही रहते थे, त्रिपुंड धारण करते थे, औरों से शास्त्रार्थ करके शैव मत की प्रस्थापना करते थे। अंग्रेजों ने समझा कि हमारे अधीन हो सकते हैं, अंग्रेजों की कुटिल कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसकर भारत बाद में वो सनातन धर्म से च्युत हो गए, एक अलग बात। तो हमने कहा कि दयानंद स्वामी की दृष्टि से विचार करें तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जीवनिष्ठ जो हेय गुण गण है उनसे रहित, और सचमुच में भगवान दिव्यात दिव्य गुण गणों से युक्त है। हमारे श्री वैष्णवाचार्यों में श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महान भावों ने भी निर्गुण का अर्थ यही किया। उनकी संस्कृत, उनकी हिंदी बहुत, हिंदी में तो नहीं, संस्कृत तदनुकूल हिंदी बहुत परिमार्जित थी। उन्होंने कहा कि दिव्यात दिव्य अनंत अचिंत गुण गण निलय भगवान है, अतः भगवान स्वोचित दिव्यात दिव्य गुण निलय होने पर भी निर्गुण क्यों कहे जाते हैं? जीवनिष्ठ जो हीन गुण गण है, करुणा पाटवादी, आसुरी वृत्ति इत्यादि, उनसे भगवान रहित। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा यह भूतले घटो नास्ति, यहाँ पर घट नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक भी घट है तो भूतल निर्घट कैसे है? अगर एक भी घट है तो भूतल को आप निर्घट नहीं कह सकते। एक भी गुण, चाहे दिव्य गुण ही शेष रह गया तो भी आप भगवान को निर्गुण नहीं कह सकते। एक भी गुण अगर शेष है, चाहे दिव्यात दिव्य गुण गण भी, इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया बहुत महत्वपूर्ण है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे, सर्वे एक नहीं, सर्वे मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं दिव्यादि दिव्य अचिंत्य गुणगण भी। मैं स्वरूपता कौन हूँ? निर्गुणम, मैं निर्गुण हूँ। उन दिव्यादि दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है, इसलिए निरपेक्षकम। गुणगण क्या करते हैं? अपने आश्रय में कोई हीनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं। पहले आश्रय में कोई हीनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके बाद गुणातिशय का आधान कर देते हैं। जैसे किसी का मुख है और रंग मंच पर या आकाशवाणी पर उसको सज धज के आना है तो क्या करेगा? मुख में चेचक के दाग हैं तो पाउडर से चंदन आदि से भरेगा पहले। तो पाउडर चंदन ने क्या किया? जो खामी थी, त्रुटि थी, काष्ठ के तखत इत्यादि बनाते हैं, काष्ठ में कहीं छेद है तो पटरी में, तख्ते में भी छेद, उसको फिर मसाले से भर देते हैं। इसी प्रकार मुख में चेचक आदि के दाग हैं तो उसको क्या किया? या धब्बा है तो उसको पाउडर आदि से, चंदन आदि से भर दिया, ये गुण का काम होता है। फिर जो सचमुच में आरोपित दृष्टि से तो सुंदर बन गया पाउडर आदि के द्वारा, एक मिले कोई कहा भी हरियाणा पंजाब में, लोगों ने परिचय दिया कि आपके गुरु भाई हैं, तो हम क्यों कहे नहीं है? हमको वाय बहुत सुंदर हैं, अब हमें क्या मालूम। इन्होंने और विवेक जी ने बाद में कहा स्त्रियां क्या पाउडर लगाती हैं महाराज, आपके गुरु भाई बन रहे थे, पाउडर से पूरा ये सब एकदम चपा हो। अब हमको मालूम पड़ता कि पुरुष होके पाउडर लगाता तो मैं देखता भी नहीं, बात क्या करता, मैं देखता भी नहीं उसको। लेकिन पाउडर से तो गुणगण क्या करते हैं? काले को गोरे बना देते हैं, चेचक के दाग को भर देते हैं, स्वाश्रय में अतिशयता का आधान करना भी, चमत्कृति कर देना, और फिर क्या कर, अनर्थ का अपनोदन करना। भगवान तो क्या है, अनर्थ उनमें कोई है ही नहीं, तो अपनोदन क्या करेंगे दिव्याति दिव्य गुणगण। और निरत स्वयं यद बृहत तद ब्रह्मा, भगवान तो निरतिशय अतिशयता की पराकाष्ठा है, तो उनमें चमत्कृति को हम दिखावे। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया अन्य लोग, हम लोग जो ब्रह्मवश वस्त्रालंकार इत्यादि धारण करते हैं, वो वस्त्रालंकार हमको भूषित करते हैं, हमारे शरीर को। लेकिन भगवान के श्री विग्रह में जो कटक मुकुट कुंडलादि पीताम्बरादि हैं, वो भगवान को भूषित करने के लिए नहीं, भगवान की अंगद श्री से भूषित होते हैं।
भगवान के अंगश्री से भूषित होते हैं, तो गुणगण भी जिनकी विद्यमानता से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करते हैं वो गुणगण भगवान में महत्वातिशय का ध्यान क्या करेंगे। इसलिए माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम, मैं निर्गुण हूँ, निरपेक्षकम, दिव्याति दिव्य गुण गणों की भी अपेक्षा नहीं। जो माताएं होती हैं, सबस हमारे यहाँ एक गाय है, गर्भवती होती है, बच्चा देने के 3 दिन पहले तक ये लोग मर्यादा की रक्षा करने के लिए दूध नहीं धुलवाते, नहीं तो 12 महीने 3 लीटर दूध दे दी गर्भवती दशा में, उसकी अपनी दिव्यता है। तो माताओं के पयोधर में जो धवल दुग्ध सन्निहित होता है वो अपने पीले के लिए नहीं, बाल गोपालों के लिए, पोषण के लिए। इसी प्रकार से भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए हैं, भगवान के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते उसको है जो निर्दोषम समम ब्रह्म। तब फिर वो गुणगण क्या है इस पर विचार किया गया, साम्या संगादयो गुणा हम, आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप है सम, निर्दोषम समम ब्रह्म, सम भगवान हो गए, साम्य गुण हो गया। तो गुण और भगवान में क्या अंतर पड़ गया, स्वरूप की विशुद्ध सत्व के द्वार से अभिव्यक्ति का नाम गुण है, स्वरूप की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त स्वरूप का नाम ही यहाँ पर गुण हो गया। इसी प्रकार असंगो नहीं सज्जते, भगवान असंग है, असंगता का नाम गुण हो गया। प्रातीतिक धरातल पर जो गुण हो, तात्विक धरातल पर कसने पर जो भगवान का स्वरूप ही हो, उसको श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के माध्यम से गुण कहा गया। तो इन सब दृष्टियों से विचार करने पर क्या हुआ, श्रीधर स्वामी ने जो अर्थ किया, जगत जीव और जगदीश्वर तक जाकर अर्थ टिक गया, अटक गया, निरुपाधिक ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाई। इस प्रकार से भागवत पाठ शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने, नीलकंठ महाभाग ने, मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने, भाष्योत्कर्ष दीपकाकार महान भाव ने, हरिसूर, इन सब महान भावों ने जो अर्थ किया है वो प्रसंग के अनुकूल है, अनर्थ कारक अर्थ किसी ने नहीं किया। हमारा क्या बिगड़ता है, जगत ले लीजिए, जीव ले लीजिए, जगदीश्वर ले लीजिए, लेकिन शास्त्र का जो पर्यवसान होना चाहिए, क्योंकि 15वें अध्याय में शास्त्र का पर्यवसान है, जो कुछ पहले कहा गया, जो कुछ 16वें 17वें 18वें अध्याय के माध्यम से कहा जाएगा, उसका यहाँ तक भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, गीता की सीमा के बाहर उपनिषद इत्यादि में जो भी सिद्धांत है उनको अगर सारांश रूप में प्रस्तुत करें तो उसी का नाम भगवद गीता के 15वां अध्याय होगा। अब 2 श्लोक फिर मैं देख लूं, यो मामेवम सम्बोधो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत। असम्मूढ़, किसी प्रकार अविवेक को प्रश्रय न देने वाला, जैसा मैंने निरूपण किया भगवान का वचन है, ठीक उसी प्रकार सोपाधिक निरुपाधिक उभय, तत्वता निरुपाधिक और व्यावहारिक धरातल पर सोपाधिक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, मुझे पुरुषोत्तम को जानता है। यो मामेव मामेवम असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तत्व के ज्ञान के लिए क्षर अक्षर का वर्णन अपेक्षित है, क्योंकि अनुगत तत्व अतीत भी होता है। वेदस्तुति, अनुगति जिसकी होती है वो अतीत ना हो तो समासक्त माना जाएगा। भगवान की अनुगति भी है अक्षर अक्षर में, और भगवान दोनों से अतीत भी है। तो भगवत तत्व का यथार्थ बोध, जैसा भगवान का स्वरूप है यज्ञान मद्वयम, उस रूप में पुरुषोत्तम तत्व को जानने के लिए ही क्षर अक्षर उपाधियों का वर्णन किया गया। ठीक उसी रूप में दोनों उपाधियों का निरसन करके, अपनोदन करके, अपवाद करके, निर्विशेष निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सदघन चिदघन आनंद घन मुझ पुरुषोत्तम को जो इसी प्रकार जानता है, वो तो सर्विद उसके लिए ज्ञातव्य कुछ शेष भी नहीं रहता।
भजत इमाम सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन का अर्थ क्या होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब हम अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष का ध्यान करेंगे, मायोपाधि का इस प्रकार, लेकिन आत्मी ही नहीं आत्मभाव से भी मेरा भजन करते हैं, तब वो सर्वभावेन अर्थात तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठास तत्परायणः, इस प्रकार से तदर्थे खिल चेष्टितम्, इस प्रकार से कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार से सर्वभाव से केवल आत्मी ही नहीं भगवान साक्षात आत्मस्वरूप भी हैं, सोपाधिक धरातल पर माता भी हैं पिता भी हैं, इस प्रकार से समग्र जगत के सृष्टा पालक संहारक के रूप में मुझ पुरुषोत्तम का विज्ञान प्राप्त करे सोपाधिक धरातल पर, और अंत में जो क्षर प्रपंच है उसके रूप में भी सर्वाधिष्ठान सर्वानुगत होने के कारण मुझे ही देखे या उन रूपों में मुझे देखने वाला जो है वो सब प्रकार से मेरा भजन करता है, और सर्वभाव से भी सर्वविद भजत, सर्वविद उसके लिए ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, इससे जान लेना चाहिए कर्तव्य और प्राप्तव्य भी उसका शेष नहीं रहता। जो भौतिकवादी हैं उनका न कभी कर्तव्य पूरा होता है न प्राप्तव्य पूरा होता है न ज्ञातव्य पूरा होता। यस्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्त मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, हो गया ना, तस्य कार्यम न विद्यते, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय, उसका प्राप्तव्य भी शेष नहीं, जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया। और भगवद गीता के सातवें अध्याय के अनुसार क्या कहेंगे, ज्ञातव्यम नावशिष्यते, उसका कुछ ज्ञातव्य भी शेष नहीं रहता। पंद्रहवें अध्याय में कृतकृत्यस्थ जायते, भौतिकवादियों को तीन साप लगा है भट्टाचार्य, भौतिकवादियों को तीन साप लगा है, जीवन भर चींटी के समान रेंगते रहो, कर्मठ बने रहो, लेकिन जब हृदय पर हाथ रखोगे चिल्ला के कहोगे चीख के, हाय जो करना था कर न सका। भौतिकवादियों के यहाँ साप क्या है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकाल सके, निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति में कर सके। अगर मुझसे पूछा जाए, जावाल जावालोपनिषद के अनुसार में बोल रहा हूँ, मुझसे पूछा जाए कि समग्र वैदिक वाङ्मय का एक वाक्य में सारांश क्या हो सकता है, समग्र वैदिक वाङ्मय का एक वाक्य में सारांश क्या हो सकता है, प्रवृत्ति का पर्यवसा निवृत्ति में होने पर प्रवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है, और निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की स्फूर्ति अभिव्यक्ति में निवृत्ति की सार्थकता, हो गया ना, पूरा वैदिक वाङ्मय का सारांश एक वाक्य में, के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती गई तो प्रवृत्ति की दुर्गति हो गई। क्या आजकल क्या हो गया, भारत इसी भौतिकवाद के चपेट में आ गया, किसी भी व्यक्ति से पूछिए जिम्मेवारी दायित्व से मुक्त हो गए ना, बहुत दायित्व है, इसका मतलब क्या, अरे एक अरब जन्म तक भी उसका दायित्व छूट ही नहीं सकता। प्रवृत्ति का आरंभ प्रवृत्ति के लिए नहीं है, निवृत्ति के लिए, गति के मूल में, गति का पर्यवसान अगर स्थिति में नहीं है तो गति की निरर्थकता है। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाएगी तो क्या होगा, कर्तव्य का अंत नहीं होगा, और कितना भी बटोरते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो, आजकल के नेताओं के समान बैंक को फेल करवाकर एक एक देश के खजाने को लुटवाकर खरीद पदार्थों को बाहर भिजवाकर बटोरते रहो 11,000 पीढ़ी के लिए, लेकिन पाना पूरा नहीं होगा। और कदाचित जितने घर हैं सबको विश्वविद्यालय बना दिया जाए, एक एक विश्वविद्यालय को 1,000 डिग्री डिप्लोमा का स्थल बना दिया जाए, किसी एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाए कि एक ही जीवन में उन समग्र विश्वविद्यालयों का समग्र ज्ञान प्राप्त कर ले, कला प्राप्त कर ले, तो भी उसका ज्ञातव्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ गीता की यह विशेषता है अध्यात्म विद्या की, कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत और ज्ञातव्य का अंत, भौतिकवाद में क्षमता ही नहीं, विशेषकर आजकल
भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह ये जितने प्रकल्प हैं सब शरीर को आत्मा मान करके हैं या नहीं। दो तीन वाक्य में कह दूं, एक बार हमने बटाला में कहा था, महाशय जी जो आते हैं ना भूतपूर्व आर्य समाजी है, पूरा सनातनी तो ही नहीं पाते आर्य समाजी, भूतपूर्व आर्य समाजी है। मैंने कहा था कि पोस्टर और बैनर के नीचे कौन कमजोर है ये अंकन की विधा ठीक नहीं, पोस्टर बैनर के नीचे, आजकल आर्य समाजी पोस्टर बैनर के नीचे कमजोर दिखते हैं, लेकिन कौन सनातनी रह गया, कौन ऐसे सनातनी है जिन पर आर्य समाज का प्रभाव नहीं है, दो चार मिल सकते हैं, बुरा न मान, दो चार मिल सकते हैं भारत में, इसका मतलब आर्य समाज जैसे बीज जो है बाद में भूमिगत बीज कालांतर में बीज के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उससे हजारों बीज उत्पन्न हो जाएंगे, वृक्षादि का रूप धारण करेगा ना वृक्ष, तो प्रश्न उठता सनातनी रह कौन गया, टटोलने पर कहीं ना कहीं जाकर जो सनातनी गिने जाते हैं आचार्य वो भी आर्य समाजी सिद्ध हो जाते हैं। तो बैनर और पोस्टर के नीचे आर्य समाजी दुर्बल हैं, लेकिन उनके सिद्धांत के आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार करें तो बहुत विजयी हैं। आगे चलिए, कम्युनिस्ट अब तो पश्चिम बंगाल में भी खिसक गए, केरल में कुछ रह गए हैं, लेकिन उससे क्या, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में रहे हैं नादान बच्चों के जीवन में, उससे क्या पाला पड़ता है, कौन कम्युनिस्ट नहीं है, जो भी देहात्मवादी हैं सब कम्युनिस्ट हैं, चारवाक के अनुयायी हैं, आजकल जो शिक्षा पद्धति है उससे कोई देहात्मवादी हुए बिना बच सकता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम समझते भी नहीं कि कम्युनिस्टों का शासन है, लेकिन है कम्युनिस्टों का शासन, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति जैसी है उसके द्वारा सनातनी मस्तिष्क और हृदय की संरचना 2% भी हो सकती है, 2% भी सनातनी मस्तिष्क और हृदय की संरचना नहीं हो सकती, तो सनातन धर्म का नेता बन के जो आएगा गुरु बन के वो भी अपने अनुयायियों को वहां जाके पटक देगा जहां पर कम्युनिस्ट पटकना चाहते हैं, आर्य समाजी पटकना चाहते हैं, अंग्रेज पटकना चाहते हैं। इसलिए हमने संकेत किया कि ज्ञातव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, कर्तव्य का अंत, तेरा ये जो 15वां अध्याय है इसका विधिवत अनुशीलन करने पर होता है, अर्थात जीवन पूर्ण कृतार्थ होता है। भगवत कृपा से हमने यह भाव बनाया कि इसी सत्र में इस अध्याय की व्याख्या को पूर्णता दी जाए। कितने साल हो गए होंगे, काफी, 8-9 8 साल 7-7 दिन नहीं 15 दिन लगभग, 1 वर्ष में प्रवचन करने पर 8 साल में भगवत कृपा से, ये भगवान विराजमान है और जिन्होंने इस स्थान की संरचना की उनके कृपा से अध्याय पूर्ण हुआ, जिनकी कृपा से पूर्ण हुआ उन्हीं के प्रति प्रवचन माला समर्पित है। हर हर महादेव।